कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों? बढ़िया, सब मजा आ रहा है ना जिंदगी में? बस ऐसे ही हंसते खेलते रहो और अपने सपनों को पूरा करते रहो। दीवानों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 के फॉर्मेट में वो कौन से बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाए हैं। और हाँ दीवानों, जब मैं इस वीडियो का डाटा कलेक्ट कर रहा था, मतलब देख रहा था कि वो कौन से बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाए हैं, तो उनमें से कुछ बल्लेबाज तो ऐसे निकले जिन्हें मैं जानता भी नहीं था बिल्कुल भी, और आप भी उनको बिल्कुल नहीं जानते होंगे। आप भी सोचोगे कि ऐसे भी कोई बल्लेबाज है इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन्होंने इतनी तेज शतक लगा रखा T20 में। बस वीडियो में बने रहना और देखना कि वो कौन से बल्लेबाज है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगा रखे हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दीवानों, T20 आईज में सबसे तेज शतक लगाने वालों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के रिचर्ड लेवी। लेवी उस समय साउथ अफ्रीका के ताबड़तोड़ ओपनरों में से एक थे। इन्होंने इस शतक को मारने के लिए सिर्फ 45 गेंदों का इस्तेमाल किया था और यह मैच इन्होंने 19 फरवरी 2012 को हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने 51 गेंदों में 117 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम 5 चौके और 13 छक्के थे। रिचर्ड लेवी की गिनती उस समय दुनिया के सबसे घातक ओपनरों में होती थी और इस मैच में भी लेवी ने बहुत पिटाई करी थी न्यूजीलैंड वालों की। उन्होंने चेस करते हुए 8 विकेट से साउथ अफ्रीका को ये मैच बहुत आसानी से जिता दिया था। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं नबीबिया के JP कोर्टजे। कोर्टजे नबीबिया के विकेट कीपर बैट्समैन में से एक हैं। इन्होंने इस शतक को बनाने के लिए मात्र 43 गेंदें खेली थी और ये शतक ठोक दिया था। इन्होंने यह मैच 20 अगस्त 2019 को विंडोएक के क्रिकेट ग्राउंड में बोत्सवाना के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने 43 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में 7 चौके और 9 छक्के भी शामिल थे। दीवानों, यार एक बात बताओ, क्या आपको पता था कि नबीबिया के JP कोर्टजे ने भी इतनी तेज शतक मार रखा है T20 आईज में? कोर्टजे को तो छोड़ो, इन्हें तो चलो हम जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप में देखा था नबीबिया की तरफ से। अभी आगे वीडियो में एक दो नाम तो ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता ही नहीं बिल्कुल कि ऐसा भी कोई खिलाड़ी है इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन्होंने इतनी तेज शतक मार रखा है। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के लियम लिविंगस्टन। और इन जनाब को आखिर कौन नहीं जानता। इन्होंने मात्र 42 गेंदों में इस शतक को पूरा करा था और यह मैच इन्होंने 17 जुलाई 2021 को नॉटिंगम में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने 43 गेंदों में 103 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में 6 चौके और 9 छक्के भी शामिल थे। लियम लिविंगस्टन, इन्होंने उस मैच में आते ही जो जलवे बिखेरे हैं, मतलब कि आप देख के ही समझ सकते हो कि इन्होंने कैसे कैसे शॉट खेले थे उस मैच में। भले ही ये इंग्लैंड को वो मैच ना जिता पाए हों, लेकिन पारी में बहुत मजा था इनकी। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजाई। जजाई की गिनती T20 में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है। इन्होंने उस दिन मात्र 42 गेंदों में इस शतक को अंजाम दिया था और यह मैच इन्होंने 13 फरवरी 2019 को देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने मात्र 62 गेंदों में 162 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम 11 चौके और 16 छक्के शामिल थे। दीवानों, उस दिन तो जजाई बिल्कुल अपने सर पर कफन बांध के ही आए थे। मतलब 62 गेंदों में 162 रन कौन मारता है भाई? इतनी बेरहमी से कौन सूतता है टीम को? चलिए कोई नहीं, ऐसी सूते एक बार फिर से एक पारी ऐसी देखने को मिले कि मजा ही आ जाए T20 में। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आते हैं बेल्जियम के शैयार बट। इन जनाब का नाम तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। इन्होंने मात्र 41 गेंदों में T20 आईज में शतक मार रखा है और यह मैच इन्होंने 29 अगस्त 2020 वाल्फरडांगे क्रिकेट ग्राउंड में चेक रिपब्लिक के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने मात्र 50 गेंदों में 125 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम 11 चौके और 9 छक्के भी थे। और बताओ क्रिकेट के दीवानों, क्या हाल है आपके? अब इनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं तो क्या बात करें इनके बारे में? आपस में हालचाल पूछने पड़ेंगे हमें? और ये तो कुछ भी नहीं, अभी दो नए नाम और आने वाले हैं जिनका नाम आप पहली बार सुनोगे। अब छोटे देश से हो या बड़े देश से, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब शतक लगा रखा है किसी बंदे ने तो लगा रखा है भैया। बस वीडियो में बने रहना ये देखने के लिए। चलिए जल्दी से अगले खिलाड़ी की तरफ चलते हैं। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी। मुंशी स्कॉटलैंड के सबसे घातक बल्लेबाजों में से एक है। इन्होंने मात्र 41 गेंदों में शतक लगा रखा है T20 आईज में और यह मैच इन्होंने 16 सितंबर 2019 में डबलिन के क्रिकेट ग्राउंड में नेदरलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने मात्र 56 गेंदों में 127 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम 5 चौके और 14 छक्के भी थे। दीवानों, मुंशी की गिनती T20 आईज में दुनिया के सबसे घातक बल्लेबाजों में होती है और यह आयरलैंड के सबसे सीनियर बल्लेबाजों में से एक है।
और इस मैच में तो इन्होंने नेदरलैंड की खूब पिटाई करी थी और उनके सामने 250 से भी ज्यादा रन का लक्ष्य दिया था और ये मैच बहुत आसानी से जीत लिया था। चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं रोमानिया के शिवा कुमार पिलियलवर। इन्होंने इस शतक को अंजाम देने के लिए मात्र 39 गेंदों का सामना किया था और यह मैच इन्होंने 29 अगस्त 2019 को इल्वोव काउंटी के ग्राउंड में तुर्की के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने मात्र 40 गेंदों में 105 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम 12 चौके और 6 छक्के भी थे। दीवानो, वैसे तो शिवाजी पिलियलवर का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन खेलते हैं रोमानिया के लिए। क्या इससे पहले आपको पता था कि T20 आइज में इस खिलाड़ी ने भी इतनी तेज शतक मार रखा है और ये T20 आइज में सबसे तेज शतक लगाने वालों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं कैच रिपब्लिक के सुदेश विक्रमा शेखर। इन्होंने मात्र T20 आइज में 35 गेंदों में ये शतक मार रखा है। इन्होंने यह मैच 30 अगस्त 2019 में इल्वोव काउंटी के क्रिकेट ग्राउंड में तुर्की के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने मात्र 36 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम 8 चौके और 10 छक्के भी थे। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था इस वीडियो को बनाने से पहले, लेकिन अब जान गया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। T20 आइज में सबसे तेज शतक लगाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर, जो अपनी ये पारी खेलने के बाद सामने वालों के लिए बन जाते हैं किलर। इन्होंने मात्र 35 गेंदों में इस शतक को अंजाम दिया था। इन्होंने यह मैच 29 अक्टूबर 2017 को पोर्ट चेफ स्ट्रूम क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने मात्र 36 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम 7 चौके और 9 छक्के भी थे। डेविड मिलर अपने जमाने के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में से एक थे और इस मैच में भी ये पारी को फिनिश ही करने आए थे, लेकिन देखते ही देखते इन्होंने पता नहीं कब शतक बना डाला कि बस मजा ही आ गया था उस दिन। तो बांग्लादेश वाले उस दिन कहीं पर भी बॉल डालने, लेकिन इनसे नहीं बच पा रहे थे बिल्कुल भी। और उस मैच में तो ये 6 गेंदों में 6 छक्के भी लगाने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे करके लास्ट बॉल मिस हो गई थी बस, लेकिन पारी इन्होंने A1 खेली थी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। T20 आइज में सबसे तेज शतक लगाने वालों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं रोज सुपर हिट शर्मा। हिटमैन ने उस दिन मात्र 35 गेंदों में इस शतक को अंजाम दिया था और बन गए थे T20 आइज में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज। इन्होंने यह मैच 22 दिसंबर 2017 को इंदौर क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने मात्र 43 गेंदों में 118 रन की पारी खेली थी। इसमें इनके नाम 12 चौके और 10 छक्के भी थे। और इस खिलाड़ी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, जब ये भाई साहब मारना शुरू करते हैं तो बस इन्हें देखते ही रहो, मन भरता ही नहीं बिल्कुल भी। आप में से कई लोगों ने तो इस मैच को लाइव भी देखा होगा, उसमें से एक मैं भी था। उस दिन इन जनाब ने जो पिटाई करना शुरू करी थी श्रीलंका वालों की, मतलब कि बॉल भी कह रही थी कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो, बस मजा ही आ गया था उस दिन रोहित शर्मा की पारी देख के। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इन सब में से आपको सबसे अच्छी पारी कौन सी लगती है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।